वेलकम टू द अनदर डू फैक्ट्स वीडियो। विजय थलापति और लोकेश कनगराज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म लियो का ट्रेलर आ चुका है और इससे हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि ये लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी है, जो ट्रेलर में तो हमें कोई खास हिंट देखने को नहीं मिला एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये लोकेश कनगराज की फिल्म है। फिर भी मैं इस फिल्म के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ और क्यों आपको भी होना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम लियो फिल्म ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाले हैं और आपको हम ट्रेलर से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताने वाले हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। ट्रेलर देखने के बाद तो ये कंफर्म ही लग रहा है कि एक स्टैंड अलोन फिल्म होने वाली है। एक साइको किलर है जो लोगों को दिन दहाड़े मर्डर कर रहा है और उस सीरियल किलर के कारण लोगों में बहुत सी दहशत है और वो दिन दहाड़े लिटरली लोगों को मार रहा है, जिसके कारण सिटी में नाकाबंदी भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेलर में एक पुराने पुलिस ऑफिसर की भी बात हुई है जो किलर पे दिन दहाड़े गोली चला देता है, बट जैसे ही गन रिलोड करता है वो पुलिस ऑफिसर, किलर उस पे गोली चला देता है। अब एंट्री होती है विजय के कैरेक्टर यानी पार्थी की, जो एक बेकरी शॉप ओन करता है और उस पुलिस वाले की गन अब विजय के हाथ में है। शायद से इस सीन का मतलब विजय का इनकाउंटर उस किलर से होता है, क्योंकि आप पीछे उसके पुलिस ऑफिसर्स भी देख सकते हो। एंड जस्ट बाद हमें हाइना को स्क्रीन में देखने मिलता है और मुझे लगता है कि हाइना उस किलर को रेफर करता है एक तरह से, क्योंकि हाइना की दरिंदगी आप उस किलर की आंखों में भी देख सकते हो। अब हैरोल्ड आस का एंग्री लुक हमें देखने को मिलता है और उनके रूम में सिर्फ आग के मसाले हैं, जिसका मतलब साइड से वो फायर को डिनोट करते हैं। इस फ्रेम में किलर खून से नहाया हुआ है लिटरली, सो उसने पक्का किसी का बेदर्दी से मर्डर किया होगा। अब बारी आती है संजय दत्त के कैरेक्टर यानी कि एंटनी दास की, जो साइड से लियो के बारे में बोल रहे हैं। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। तो एंटनी दास और लियो कोई पास शेयर करते होंगे, जिसके कारण वो लियो समझकर पार्थी के पीछे पड़े हैं। इस सीन में हम पार्थी को परेशान देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि स्ट्रेस उनके सिर पे चढ़ा हुआ है। एक तो सीरियल किलर्स और उसके बाद ड्रग माफिया, ये सभी इनके फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ हैरोल्ड दास किसी के चिता के सामने खड़ा हुआ है, जो मे बी इनका करीबी हो जिसे लियो ने ही मारा हो। एंड दैट्स व्हाई अब एंटनी एंड हैरोल्ड दास पार्थी के पीछे पड़े हुए हैं लियो समझकर। अब इन सारी कंफ्यूजन के चलते पार्थी की फैमिली डेंजर में है। अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर, उल्टा तुम लोगों ने मेरा सीना हराम कर दिया। जहाँ तक मुझे लगता है पार्थी पास्ट में लियो होगा या फिर फिल्म में रियली उनका कोई डबल रोल है। अब जब बात पार्थी की फैमिली पर आ चुकी है, तब वो इंसान बहुत ही टूटा डरा और फ्रस्ट्रेटेड है। अब इन सभी चीजों के चलते पार्थी का एक एंग्री बीस्ट देखने को मिलता है। अब लास्ट में हमें सभी रैम्पेज मोड में देखते हैं और विजय एक एक करके पूरे माफिया गैंग से फाइट कर रहा है। एंड ट्रेलर के लास्ट में पता चलता है कि कई लोग लियो के पीछे किसी राज को जानने के लिए लगे हैं। हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। और उसी के साथ लियो का ट्रेलर में लुक भी रिवील होता है। विजय की जितनी मूवीज भी हमने देखी है, विजय के एक्टिंग के अकॉर्डिंग ये उनमें से सबसे बेहतर निकल कर आने वाली है। विजय का एंगर, फियर एंड बेचारापन इस मूवी में क्या निकल कर आ रहा है। सो विजय सर के कैरेक्टर को आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे इस फिल्म के बाद। 250 से 300 करोड़ के बजट पर बनी इतनी बड़ी फिल्म, बड़ी स्टार कास्ट के साथ और वो भी डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, इसका वीएफएक्स खराब नहीं निकल सकता कोई भी हालत में। पर लोकेश कनगराज अपने फैंस का डिमांड जानते हैं, सो उन्होंने वीएस की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और वीएफएक्स की क्वालिटी देखने में ऑसम लग रही है। मेकर्स ने रिपोर्टेडली सिर्फ हाइना को ही वीएफएक्स से क्रिएट करने में 15 करोड़ खर्च कर दिए। अदर जगहों पे वीएफएक्स अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा वीएफएक्स मोशन और स्मूथ हो सकता है, जो उम्मीद है फिल्म के रिलीज के टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल इट इज गुड। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वी होप कि आपको हमारा ये ट्रेलर ब्रेकडाउन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर छोड़ देना और साथ ही ऐसी वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो डू फैक्ट्स को। एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ।